हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, कहते हैं कि अगर जब ज़्यादा न्यूज़ उड़ जाती है, सच होती है या झूठ होती है, उसे तो कंफर्म जो है जिनके बारे में उड़ रही है वही बता सकते हैं। ऐसे में कई बार जो है स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो भी शो के रिलेटेड हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं जब वो सोशल मीडिया में हर पेज पर न्यूज़ देखते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया उतने ही करीब है उन शो के या उन स्टारों के जितने वो सेट से करीब है। ऐसे में फिर जब ये न्यूज़ सच हो जाती है तो कहा जाता है स्टार की पता नहीं मीडिया को हमारे से पहले कैसे पता चल जाता है। लेकिन जब शो के हालात ठीक हो और न्यूज़ उड़ी हो तो भाई ऐसे में मेकर्स का आना बनता है। राजन साई हमेशा ही अपने फैंस को जो है सही राह देते हैं, या ये कहें कि जो है जो शो में न्यूज़ अगर उड़ जाती है उनके रिलेटेड हो या शो के रिलेटेड हो या स्टार के रिलेटेड हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने फैंस को एक सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी देते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। इसीलिए राजन साही का नाम सबसे ऊपर आता है कि वो सोशल मीडिया में आकर अपने फैंस को लगातार अपडेट देते रहते हैं, इंटरव्यू के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसे में कुछ दिन से हर सोशल मीडिया के बड़े पेज पर खबर चल रही है कि अनुपमा में लीप आने वाला है और गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली शो से एग्जिट हो रहे हैं, जहाँ पे फैंस का दिल जो है धक धक करने लगा कि अभी तो हमने दोनों का प्यार देखा ही नहीं। मान जोड़ी को जहाँ हमने इतने अवॉर्ड दिलवाए, इतना प्यार दिया, इतना ट्रेंडिंग किया, तो इस जोड़ी को इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं। जब दिखाया तो तभी लीप दे दिया। तो आखिर जो है क्यों ऐसी मजबूरी आ रही है कि शो में जो है इनकी एग्जिट की जा रही है? शो तो नंबर वन पे बना हुआ है और शो टीआरपी भी अच्छी दे रहा है, फिर क्या कारण है कि रूपाली गांगुली जो इस शो का मेन चेहरा है उसे शो से बाहर किया जा रहा है और नए चेहरों को लॉन्च किया जा रहा है? तो कुछ टाइम से काफ़ी खबरें हो रही हैं काशी सिंह, यानी कि जो आपकी ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं गायू, यानी कि सेकंड जनरेशन में शिवांगी जोशी की बहन का रोल कर चुकी, कि उन्हें अप्रोच किया है, निहारिका को अप्रोच किया है। तो ऐसे बहुत से जो हैं वर्ल्ड या कहें कि इस तरह की न्यूज़ सोशल मीडिया में चल रही है कि इनको अप्रोच किया है। शिवम खजूरिया जो हैं शो का हिस्सा होने वाले हैं, अब जल्दी ही आपको नई कास्ट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन हमने बोला था कि ये न्यूज़ काफ़ी हद तक सही भी बताई जा रही है, लेकिन लीप अभी नहीं आएगा, 2 से 3 महीने लीप में लगेंगे। अगर आप सोचेंगे आपने तो न्यूज़ बोला था तो ये तो 2 से 3 महीने। ऐसे में ये न्यूज़ हर सोशल मीडिया के पेज पर है, तो ऐसे में जब राजन साही ने ये न्यूज़ पढ़ी, भाई देखिए सोशल मीडिया में हर कोई रहता है, बिना सोशल मीडिया के तो आज की डेट में दुनिया ही नहीं है। भाई एक बार कहते हैं ना जैसे बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो बस वैसे ही जो है आपके हाथ में मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है। रिश्तेदार से बात करना, सोशल मीडिया चेक करना, डीपी चेक करना, कहीं जाना तो फोटो कैप्चर्स करना, तो ये सोशल मीडिया का ही हिस्सा होता है। तो ऐसे में जो है राजन साई ने जब इतनी सारी बड़े बड़े सोशल मीडिया के पेज पर ये न्यूज़ पढ़ी, तो उन्होंने जो है अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बताया कि ये न्यूज़ फेक है, रूपाली गांगुली और जो है गौरव खन्ना शो छोड़कर नहीं जा रहे। हो सकता है वो शो छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि लीप आए, थोड़ा सा लीप आए, क्योंकि कहानी अब आराध्या की दिखाएंगे, क्योंकि आराध्या ने अपनी माँ को माँ कह दिया, जिसके लिए अनुपमा तरस रही थी, उसके कान तरस रहे थे। तो फिलहाल तो राजन साई ने फैंस को खुश कर दिया एक छोटे से सोशल मीडिया के मैसेज से, जहाँ फैंस या फिर ये कहें सोशल मीडिया के पेज को झटका लगा जब राजन साई ने कहा रूपाली गांगुली उफ आपकी अनुपमा और अनुज यानी कि गौरव खन्ना शो छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो शो में लगातार रहेंगे। तो ऐसे में फैंस के लिए खुशखबरी हो गई है। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।